चेहरे से, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। 70 के दशक की वो चुलबुली और बेहद खूबसूरत अदाकारा जिसने अपनी एक्टिंग से सिल्वर स्क्रीन पर 4 चांद लगा दिए। जिसको अपने समय की बेहतरीन अदाकारा माना गया, जिसने सिनेमा जगत में एक ऐसे किरदार निभाए जो हमेशा के लिए यादगार बन गए। इस अदाकारा ने अपनी एक्टिंग और खूबसूरती के दम पर सन 1975 में कर ली थी एडवांस में 85 फिल्में साइन। और जिसने महज 21 साल की उम्र में प्रेम विवाह करके भारतीय सिनेमा को कह दिया अलविदा और बन गई इंडस्ट्री के सबसे रईस कपूर खानदान की बहू। कोठे की बदनाम जिंदगी गुजारने के बाद भी कैसे ये बन गईं भारतीय सिनेमा की टॉप की हीरोइन और कपूर खानदान की बड़ी बहू, कैसे इनके परिवार ने सामना किया मर्द जात के द्वारा किए गए जुल्म और सितम का। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड नॉवल। आज के इस अपने शो में हम बात करेंगे सिल्वर स्क्रीन पर दिखने वाली बेहद खूबसूरत और हंसमुख अदाकारा के जीवन की, जिसके परिवार को गुजरना पड़ा कोठे जैसी बदनाम गलियों से, जिसको दिन रात जबरदस्ती बिकना पड़ा मर्द जात के सामने, और कैसे इनके परिवार की एक लड़की ने हिम्मत करके कोठे की 4 दीवारी को तोड़कर अपना रुख ही कर लिया फिल्मों की तरफ। कह दूं तुम्हें क्या चुप रहूं दिल में मेरे आज। जिसके मन में थी हीरोइन बनने की चाहत, आंखों में बेबसी के आंसू और कोठे की बदनाम जिंदगी, जिसकी कोक से जन्मी थी 70 के दशक की एक खूबसूरत अदाकारा, जिसको लोगों ने कभी बेबी सोनिया कहा तो कभी हरनीत कौर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रणबीर कपूर की माँ और ऋषि कपूर की पत्नी नीतू सिंह की। सलाम, 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 सलाम। नीतू सिंह की जिंदगी के बारे में जानने से पहले हमको नीतू सिंह के परिवार के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि नीतू सिंह के जन्म के पीछे उनके परिवार के संघर्ष की कहानी है, जिसको बताए बिना नीतू सिंह का जीवन अधूरा है। क्योंकि नीतू सिंह वो अभिनेत्री हैं जिसने अपनी खूबसूरती और अदायगी के दम पर हीरोइन बनकर अपनी माँ की अधूरी महत्वाकांक्षा को पूरा किया था। नीतू सिंह के परिवार की कहानी शुरू होती है आज से तकरीबन 100 साल पहले, जब भारत गुलामी की बेड़ियों में था। तब पंजाब के एक छोटे से गांव में पंजाबी परिवार में जन्म हुआ एक लड़की का, जिसके माँ बाप ने प्यार से नाम रखा हरजीत कौर। हरजीत जब 10 साल की थी तो बीमारी के चलते इनके माँ बाप की मौत हो गई। माँ बाप के बाद हरजीत कौर के पालन पोषण की जिम्मेदारी चाचा चाची पर आ गई। लेकिन हरजीत कौर के चाचा चाची बहुत लालची थे, वो हरजीत कौर की सारी संपत्ति को हड़पना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने हरजीत कौर पर पहले काफी जुल्म किए, और इस सब के बावजूद जब उनका मन नहीं भरा तो एक दिन चाचा चाची उसको पंजाब से दूर दिल्ली में लाकर एक कोठे पर बेच कर चले गए। दुनिया ने विश बरसाया है, तुम अमृत बरसा दो साईं बाबा। कोठे पर मासूम हरजीत को दिन रात नीलाम किया गया। उसे वहां आने वाले मर्दों के सामने खाने की तरह परोसा गया। मासूम हरजीत का बचपन दर्द, बेबसी और सिसकियों की भेंट चढ़ गया, और वो कोठे पर वहशी मर्दों के खेलने का खिलौना बन गई थी। समय गुजरा और मासूम हरजीत अब 18 साल की हो चली। एक दिन मौका पाकर हरजीत कोठे से भाग निकली। बदहवास हरजीत राहगीरों से रुकने की मदद मांग रही थी, लेकिन हरजीत के फटे पुराने कपड़े होने की वजह से उसकी कोई भी मदद नहीं कर रहा था। तभी वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति ने हरजीत कौर की मदद की और उसको अपने साथ अपने घर ले गया।
वो इंसान लखनऊ के एक रईस नवाब खानदान से ताल्लुक रखता था, जिसका नाम था शेख अनीमुल्ला रईसुद्दीन, जो पहले से ही शादीशुदा बाल बच्चेदार था। आप इतने बड़े घर में अकेले रहते हैं, आपके बच्चे? अनीमुल्ला ने हरजीत को अपने एक हवेली में जगह दी। वहीं हरजीत भी उसके द्वारा की गई मदद से बहुत खुश थी, क्योंकि उसको अब कोठे की नरक भरी जिंदगी नहीं जीनी पड़ रही थी, न उसे अब अपनी इज्जत का सौदा करना पड़ा। अनीमुल्ला हरजीत से निकाह तो नहीं करते हैं, लेकिन उसको अपनी बीवी की तरह ही रखते हैं। हरजीत की जिंदगी में खुशी ज्यादा देर नहीं रुकी और 4 साल के बाद अनीमुल्ला का देहांत हो गया। उसकी मौत के बाद शेख की बीवी बच्चों ने हरजीत को घर से बाहर निकाल दिया और हरजीत एक बार फिर से सड़क पर आ गईं, दर दर की ठोकर खाने के लिए। मजबूर और लाचार हरजीत के पास न खाने के पैसे थे न रहने को घर। इसी दौरान वहां से गुजर रहे जमाल खां की नजर हरजीत पर पड़ती है। वो हरजीत को अपने साथ काम दिलाने का वादा करके अपने घर ले जाता है, जहां वो हरजीत के साथ दुष्कर्म करता है और हरजीत को एक लखनऊ के कोठे पर ले जाकर बेच देता है। वक्त की मारी हरजीत एक बार फिर से कोठे की 4 दीवारी में कैद हो जाती है। रात भर ये जहर पिया नहीं जा। हरजीत देखने में बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे लखनऊ में होने लगी, जिसकी वजह से उस कोठे पर बड़े बड़े नवाब आने लगे। इसी कोठे पर काम करने वाले एक दलाल फतेह सिंह को हरजीत से प्यार हो जाता है और वो कोठे की मालकिन से हरजीत से शादी करने को कहता है। मालकिन शादी के लिए हाँ कर देती है, लेकिन वो फतेह सिंह के सामने एक शर्त रख देती है कि हरजीत शादी के बाद भी कोठे पर लोगों का दिल बहलाएगी, जैसे कि वो अभी करती आ रही है। दोनों इस शर्त को हाँ कर देते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद हरजीत एक बेटी को जन्म देती है, जिसका नाम रखा जाता है राजी सिंह, जो आगे चल कर के बनी नीतू सिंह की माँ। राजी सिंह की परवरिश इसी कोठे पर हो रही थी। राजी सिंह जब 14 साल की हुई तो उसको भी कोठे की मालकिन ने लोगों के दिल बहलाने में लगा दिया। उसकी इज्जत का भी सौदा हर रात होने लगा। राजी सिंह इस काम को नहीं करना चाहती थी। राजी सिंह फिल्म देखा करती थी, इसीलिए वो फिल्म में हीरोइन बनना चाहती थी। जब ये बात राजी सिंह ने अपने पिता फतेह सिंह को बताई तो उसको काफी मारा गया, लेकिन राजी सिंह अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी, लिहाजा वो कोठे से भागकर दिल्ली आ जाती है। यहाँ दिल्ली में राजी सिंह एक मिल में काम कर मुंबई जाने के लिए पैसे जोड़ने लगती है। राजी सिंह अब 19 साल की थी, वो भी बेहद खूबसूरत थी अपनी माँ की तरह, और इसी वजह से उस मिल के मैनेजर दर्शन सिंह को राजी सिंह से प्यार हो जाता है। और राजी सिंह से सिंह अपने दिल की बात कह देते हैं। राजी सिंह भी ये सोचकर हाँ कर देती हैं कि उसको रहने के लिए घर मिल जाएगा और एक सहारा भी। शादी के बाद राजी सिंह और दर्शन सिंह को एक बेटी होती है, जिसका नाम रखा जाता है हरनीत कौर, जो आगे चलकर के नीतू सिंह के नाम से जानी गयी। ओह माय गॉड, आजकल हमारे देश में हर कोई भाषण देने लगा है, और मजे की बात हमें तमीज भी उन्हीं से सीखी। कुछ समय बाद राजी सिंह अपनी बेटी के साथ मुंबई शिफ्ट हो गए। मुंबई के हिल ग्रेज हाई स्कूल में अपनी बेटी का एडमिशन करा दिया और खुद राजी सिंह हीरोइन बनने की चाहत में स्टूडियोज और डायरेक्टर्स के दफ्तरों के चक्कर लगाने लगी और जगह जगह ऑडिशंस देने लगी, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। कभी हंसी और कभी रहम आता है तेरे हाल पे। पूरी तरह मायूस राजी सिंह अब समझ गई थी कि फिल्मों में हीरोइन बनने का सपना उनका पूरा नहीं होगा, लिहाजा राजी सिंह ने अपनी बेटी हरमीत को फिल्मों में लाने का मन बना लिया। राजी सिंह पूरी मेहनत के साथ अपनी बेटी की किस्मत बदलने की कोशिश में लग गईं और उनकी मेहनत रंग लाई और 1966 में टी प्रकाश राव के निर्देशन में बन रही राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म सूरज के लिए हरनीत कौर को
बतौर चाइल्ड एक्टर सेलेक्ट कर लिया गया। इस फिल्म में हरनीत का नाम बेबी सोनिया रखा गया। इस फिल्म को लोगों ने खूब पसंद किया और बेबी सोनिया के द्वारा निभाए किरदार को भी। बड़ों के गुण छोटों में आ ही जाते हैं। मेरे पिताजी कहते हैं कि मैं अपनी माँ की तरह घमंडी हूँ। और इसी साल इनकी दूसरी फिल्म आई जिसका नाम था 10 लाख। इसके बाद साल 1968 में इनकी दो फिल्में आईं, 2 दुनी 4 और 2 कलियां। दोनों फिल्में सुपरहिट साबित हुईं। फिल्म 2 कलियां में हरनीत ने डबल रोल अदा किया और लोगों के दिल में अपनी एक अलग जगह बनाई। मैं पूछती हूँ, तेरी सूरत मेरी सूरत से क्यों मिलती है? भगवान से पूछ, अपनी नारी से पूछ, उसे रूह से मंगाई होगी। इसके बाद बेबी सोनिया ने 1970 में बैक टू बैक 2 फिल्मों में काम किया, घर घर की कहानी, पवित्र पापी। बेबी सोनिया के काम को फिल्म जगत में काफी तारीफ मिलने लगी, लेकिन राजी सिंह को ऐसा डर सताने लगा कि कहीं उनकी बेटी का भी फिल्मी करियर डेजी ईरानी की तरह खत्म ना हो जाए और बड़े होने पर एक हीरोइन के तौर पर बेबी सोनिया को नकार दिया जाए। यही सोचकर 1970 में राजी सिंह अपनी बेटी को पंजाब लेकर चली जाती हैं। माँ, कितनी अच्छी हो तुम, कितनी सुंदर हो तुम, सीता जैसी हो। पंजाब में वो अपनी बेटी को हीरोइन बनने के सभी गुण सिखाने लगती हैं। वो अपनी बेटी को चालाक बनने की शिक्षा दे रही थी। राजी सिंह दुनिया की चाल से अच्छी तरह वाकिफ थी, इसीलिए वो अपनी बेटी को पूरी तरह से तैयार कर रही थी। इसके बाद साल 1973 में राजी सिंह फिर से एक बार मुंबई वापस लौटी और अपनी बेटी को नाम दिया नीतू सिंह। नीतू सिंह अब बड़ी हो गई थी, वो खूबसूरत और हसीन बला नजर आने लगी थी। लोग बेबी सोनिया को भूल गए थे, लिहाजा फिल्मी दुनिया में नीतू को काम मिलने में देर न लगी और उनको डायरेक्टर के शंकर ने फिल्म रिक्शावाला में हीरो रणधीर कपूर के साथ साइन कर लिया। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप हो गई, जिससे राजी सिंह काफी डर गई और वो सोचने लगी कि कहीं उनकी बेटी पर फ्लॉप हीरोइन का ठप्पा न लग जाए, इंडस्ट्री नीतू सिंह को नकार न दे। इसलिए राजू सिंह ने नीतू सिंह का बोल्ड फोटो शूट करा दिया। ऐसी वैसी बातों में, तो ही मुलाकातों में, मैं तो बदला हो जाऊंगी। उनके इस फोटो शूट ने इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया और हर निर्माता नीतू सिंह को अपनी फिल्म में लेने के लिए लाइन लगाने लगे। नीतू सिंह उन फिल्मों में काम करती थीं जिनको उनकी माँ राजी सिंह फाइनल करती थी। इसके बाद नीतू सिंह 1973 में फिल्म यादों की बारात में नजर आई और ये फिल्म सुपरहिट हो गई और नीतू का फिल्मी सफर चल निकला। इसके बाद नीतू सिंह ने 1974 में शतरंज के मोहरे, आशियाना, जहरीला इंसान, हवस जैसी 4 फिल्मों में अभिनय किया। साल 1975 नीतू सिंह के लिए लकी साबित हुआ। इनकी 5 फिल्म आईं, जिनमें 3 फिल्मों ने धूम मचा दी थी। खेल खेल में, रफू चक्कर और दीवार फिल्म सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही थी। फिल्म खेल खेल में ऋषि कपूर के साथ नीतू सिंह ने काम किया था और यहीं से इन दोनों की प्रेम कहानी की भी शुरुआत हुई थी। ऋषि कपूर और नीतू सिंह की जोड़ी पसंदीदा जोड़ियों में गिनी जाने लगी। लगातार हिट फिल्मों की बदौलत नीतू सिंह की गिनती टॉप हीरोइन में होने लगी। साल 1976 में नीतू सिंह की 5 फिल्म शराफत छोड़ दी मैंने, शंकर दादा, कभी कभी, महाचोर और भला मानुष जैसी फिल्म रिलीज हुई। कभी कभी फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ सफलता की और नीतू सिंह को टॉप पर पहुंचा दिया। इसी कड़ी में 1977 में नीतू सिंह 11 फिल्मों में नजर आईं, जिसमें ढोंगी, अदालत, धर्मवीर, अमर अकबर एंथनी, परवरिश, प्रियतमा, आंदोलन, कस्मे वादे जैसी फिल्में थीं। नीतू सिंह ने फिल्म अदालत और परवरिश में अमिताभ बच्चन के साथ काम किया तो अमर अकबर एंथनी में ऋषि कपूर की हीरोइन बनकर नजर आईं। नीतू सिंह की हिट फिल्मों का सिलसिला जारी रहा। हमने
अब बात करते हैं नीतू सिंह के निजी जीवन की। कैसे सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद महज 21 साल की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री को उन्होंने अलविदा कह दिया था। नीतू सिंह के इस फैसले से राजू सिंह बहुत परेशान हो गई थी। दरअसल नीतू सिंह उस दौर के सफल अभिनेता ऋषि कपूर से प्यार करने लगी थी। नीतू सिंह और ऋषि कपूर ने एक साथ कई फिल्में की थी। दोनों में अच्छे रिश्ते की शुरुआत हो गई थी। कहा जाता है कि जब नीतू सिंह के प्रेम की बात राजू सिंह को पता चली तो वो बहुत गुस्सा हो गईं और उसी गुस्से में नीतू सिंह की उन्होंने खूब पिटाई कर दी। क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए कॉलेज भेजा था? बोल बोल, क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए कॉलेज भेजा था? लेकिन नीतू सिंह के समझाने पर राजू सिंह ने भी अपनी सोच का दायरा बदला और शादी के लिए हाँ कर दी। 22 जनवरी 1980 को नीतू सिंह और ऋषि कपूर शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद नीतू सिंह ने फिल्मी सफर को अलविदा कह दिया, क्योंकि कपूर खानदान की शर्त के मुताबिक शादी के बाद उनकी कोई भी बहू फिल्में नहीं करती है और नीतू सिंह ने उसी शर्त को निभाया था और अपने सफल भारतीय सिनेमा के सफर को अलविदा कह दिया था। शादी के बाद नीतू सिंह एक बेटी रिद्धिमा और बेटे रणवीर कपूर की मां बनी। रिद्धिमा एक सफल फैशन डिजाइनर हैं, तो रणवीर कपूर एक सफल अभिनेता के तौर पर जाने जाते हैं। नीतू सिंह की जिंदगी में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव चल रहे थे। साल 2009 में नीतू सिंह की मां राजू सिंह का निधन हो गया। इसके बाद 30 अप्रैल 2020 को ऋषि कपूर का बीमारी के चलते निधन हो गया। ऋषि कपूर के निधन के 2 साल बाद रणवीर कपूर की शादी जानी मानी हीरोइन आलिया भट्ट से हो गई। आलिया भट्ट ने एक बच्ची को जन्म दिया और अब नीतू सिंह दादी बन चुकी हैं। इसी में आधी जिंदगी निकल गई। हम कभी पति पत्नी बन ही नहीं पाए, बस मम्मी पापा थे। फिलहाल वो अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करती हैं और जिंदगी को एंजॉय करती हैं। उनके वीडियो सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, जिनमें वो कभी मीडिया को पोज देती हैं तो कभी अपने हेयर स्टाइल और ड्रेसेस को फ्लॉन्ट करती हुई नजर आती हैं। नीतू सिंह फिल्मों में एक्टिंग नहीं कर रही हैं, पर वो अपनी जिंदगी को पूरे फिल्मी अंदाज में जिंदा दिली से जीती हुई नजर आती हैं। तो साथ ही अपने चाहने वालों को ये संदेश भी देती हैं कि हमारी जिंदगी में लाख मुसीबतें रही हो, अगर हमारे हौसले और इरादे मजबूत हों तो जिंदगी को खूबसूरत बनाने से कोई नहीं रोक सकता। जब जब हिंदी सिनेमा की हसीन और बेहतरीन अभिनेत्रियों की चर्चा होगी तो नीतू सिंह का नाम भी उसमें जरूर शामिल होगा। नीतू सिंह की जिंदगी, इनकी नानी और माँ की कहानी जाने के बाद आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बॉलीवुड नॉवल हरजीत कौर राजू सिंह के बलिदान को दिल से सलाम करता है और नीतू सिंह के लंबे जीवन की कामना करता है। धन्यवाद।